सिलसिला है एक बड़ी खबर का। तो ये बड़ी जानकारी हरियाणा से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। तो कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने का समय मांगा गया है। तो देखिए, राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है कांग्रेस ने, सरकार से बहुमत साबित करने की कर सकते हैं मांग। तो डिप्टी सीएलपी लीडर आफताब अहमद ने मिलने का समय मांगा। हरियाणा से जुड़ी हुई इस वक्त की यह बड़ी खबर, सरकार से बहुमत साबित करने की जो मांग है वो कांग्रेस यहां पर कर सकती है। तो कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। तो हरियाणा में ये जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, उस बीच अब ये जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस ने राज्यपाल से समय मांगा है। विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रवि, कांग्रेस ने राज्यपाल से समय मांगा है मिलने के लिए? बिल्कुल सरकार, देखिए हरियाणा में सियासी संघर्ष को लेकर ये बड़ी खबर है, कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय जो है वो मांगा है। कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफताब अहमद ने राज्यपाल से मिलने का ये समय जो है वो मांगा है। हरियाणा की भाजपा सरकार को फ्लोर टेस्ट पास करने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिलने के लिए तमाम कांग्रेस के लीडर्स जाएंगे, तो उसके लिए समय जो है वो मांगा गया है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी एक लेटर राज्यपाल को लिखा गया है, जिसमें विश्वास मत हासिल करने को लेकर सेशन बुलाने की मांग की गई है। अब कांग्रेस भी इसी कड़ी में आगे रुकती हुई कहीं ना कहीं राज्यपाल से मिलने का समय मांगती हुई नजर आ रही है, ताकि राज्य सरकार को प्रोटेस्ट पास करने के लिए कहा जा सके, राज्यपाल को कहीं ना कहीं जो सेशन विशेष सत्र बुलाने की जो बात है वो कही जा सके, ताकि प्रोटेस्ट कराया जाए। क्योंकि नंबर से अगर बात की जाए तो नंबर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पास 43 मेंबर्स हैं बहुमत साबित करने के लिए। फिलहाल जो 88 मेंबर्स विधानसभा में है उसमें से 45 मेंबर्स की जरूरत होती है, उनका समर्थन की जरूरत होती है, तो उनको देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम जो दल हैं अब राज्यपाल के पास पहुंच रहे हैं, विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, देखिए इस बीच दुष्यंत चौटाला ने भी ये कहा था कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, अब दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये कह रही है, तो क्या लग रहा है कि जो समय मांगा गया है राज्यपाल से उसमें क्या कुछ रह सकता है? बिल्कुल, देखिए पहली चीज है राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र है, वो सेशन बुलाने की जो मांग तमाम दल कर रहे हैं उस पर क्या निर्णय लेते हैं। राज्यपाल की तरफ से अगर सेशन की अनुमति दी जाती है, विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि फिर प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट में किस प्रकार से वोटिंग होगी वो स्पीकर का अधिकार क्षेत्र होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नंबर के आधार पर फिलहाल तमाम जो विपक्षी दल है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 40 विधायक फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के हैं, यानी कि उनकी अपनी पार्टी के हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हलोपा सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा का सरकार को समर्थन है, नैनपाल रावत का सरकार को समर्थन है, और बादशाहपुर से विधायक राकेश गोलताबाद का सरकार को समर्थन है, तो कुल मिलाकर 43 की संख्या होती है। इसके अलावा सरकार को दो विधायकों के समर्थन की और जरूरत है। फिलहाल की अगर बात की जाए, अगर चुनाव होता है और चुनाव में उपचुनाव जो कंडारू का होना है उसके बाद किस प्रकार से वहां समीकरण होते हैं, अगर मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह सैनी वहां से जीत जाते हैं तो 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे, उसके बाद अगर प्रोटेस्ट होता है, तो ये तो बाद की चीजें हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल के नंबर के हिसाब से सरकार के पास बहुमत संख्या बल नहीं है, तो उसके चलते ही समय जो है राज्यपाल से मांगा गया है। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित भी जुड़ गए हैं। अमित, देखिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ और मैं विश्लेषण करना चाहती हूँ, जिस प्रकार की चीजें हरियाणा की राजनीति से सामने आ रही हैं, तीन निर्दलीय विधायक जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि लगातार बयान दिए जा रहे हैं, अब कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा है। देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस को यह कदम उठाना ही चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास तीन निर्दलीय विधायक चले गए हैं और लिखित में जैसा कि आया था एक वायरल मैसेज किस तरह से उन्होंने लिखित में भी कह दिया है कि वे कांग्रेस के साथ हैं, सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं। तो देखिए साधना, इस समय अगर जननायक जनता पार्टी के जो
नेता है दुष्यंत चौटाला, उनकी ओर से भी कहा गया है राज्यपाल को, और साथ साथ फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई है। और इस तरह से कांग्रेस के ऊपर भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस आगे बढ़े, जेजेपी आगे बढ़े, तो जेजेपी भी बढ़ गई है, कांग्रेस भी बढ़ गई है। अब ये राज्यपाल ने तय करना है कि वो किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि खाली इनके मांग करने से नहीं होगा, इन्हें लिखित में विधायकों के हस्ताक्षर के साथ भी मांग सकते हैं राज्यपाल इनसे कि आप पूरा जो आपके विधायकों का जो समर्थन है वो आप लिखित में दीजिए, क्योंकि अगर संख्या बल के हिसाब से देखें और जो कांग्रेस और ये दोनों गए हैं तो देखिए इनका कितना संख्या बल है, और क्या दूसरे जो बाहर हैं अभी, चाहे अभय सिंह चौटाला की बात करें या दूसरे निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू भी है, क्या वो इनको समर्थन दे रहे हैं, क्या वे भी हस्ताक्षर करके देंगे लिखित में, उसके बाद तय होगा कि किस प्रकार की स्थिति बनती है, और विधायक जो राज्यपाल हैं उनको क्या लगता है जब उनके पास पूरा हस्ताक्षर के साथ सभी विधायकों के आ जाएंगे तब क्या वे निर्णय लेते हैं, क्या निर्देश देते हैं, और उसके बाद स्पीकर की आगे क्या एक्टिविटी रहती है, या आगे की बात है। देखिए हमें, मैं पहले भी जैसा चर्चा में कह चुका हूं कि विधायकों का समर्थन होना नहीं होना, फोटो साथ होना, यह सब जो विधानसभा के बाहर चलता है यह उसके अंदर असर नहीं डालेगा। असर तब डालता है जब फ्लोर टेस्ट होता है, उस समय कौन विधायक मौजूद रहता है कौन नहीं रहता। तो ऐसे में अभी यह नहीं है कि अल्पमत की सरकार, निश्चित रूप से प्राथमिक दृष्टि से प्रथम दृष्टया अगर देखें तो आज के दिन 40 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दो निर्दलीय विधायक हैं नयनपाल रावत पृथ्वीला से हैं और राकेश दौलताबाद हैं, और तीसरे हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा बार बार कहते हैं कि वे एनडीए का हिस्सा है और सरकार के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में 43 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अब कांग्रेस की और जननायक जनता पार्टी की बात करें, जननायक जनता पार्टी के पास देखिए 10 विधायक हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि उनमें से 6 विधायकों का मन जो है वो लगातार डोल रहा है और वे एक तरह से जेजेपी के साथ नहीं है, और उस समय अगर यह फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो उनका कदम क्या होगा, और अगर उनके लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या परिस्थितियां होंगी, क्योंकि उनमें से देखिए 2 विधायक पहले से ही कांग्रेस के साथ अपना मन जोड़ने की बात कहते हैं, उनके जो बयान आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, 4 विधायकों के बयान जो आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। देवेंद्र बबली ने पहले ही कह दिया कि 11 मई को वे अपने समर्थकों की बैठक बुला रहे हैं, उसके बाद निर्णय लेंगे कि क्या करना है। तो ऐसे में जेजेपी को क्या अपने विधायकों पर विश्वास है, क्या वे हस्ताक्षर करवाकर आगे राज्यपाल के सामने अपने सभी 10 विधायकों के रख सकते हैं, और कांग्रेस उसके बाद क्या कदम उठाती है, समय मांगना, टाइम मांगना और फ्लोर टेस्ट की मांग करना अलग विषय है, राज्यपाल देखेंगे कि कितने विधायकों का समर्थन विपक्ष के पास बिल्कुल, है। बिल्कुल, हमें डिपेंड तो ये राज्यपाल पर करता है। अब दुष्यंत चौटाला कल भी जिस तरह से कह रहे थे कि उनके पास व्हिप की ताकत है, वो किस बेसिस पे कह रहे थे, उनके तो खुद के विधायक ही नाराज चल रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से जो चीफ व्हिप होता है पार्टी का वो अपनी तरफ से एक 3 लाइन का व्हिप जारी करता है और उसमें विधायकों के लिए आदेश होता है, तो 3 लाइन के व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायक का अगर विधानसभा से उसका निष्कासन हो सकता है, उसे दल बदल अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि उसने 3 लाइन के व्हिप का उल्लंघन किया। हालांकि देखिए यह अलग बात है कि जब 10 सदस्य अगर बात करें तो उसमें से दल बदलने के लिए जरूरी है, अगर पार्टी तोड़ने के लिए 2/3 बहुमत के साथ अगर तो 2/3 सदस्य एक साथ निकल जाते हैं और वे किसको समर्थन देते हैं, तो ऐसे में जेजेपी की वो स्पीकर तय करेंगे कि जेजेपी असली है कहाँ, नाराज विधायकों के साथ है या दुष्यंत के साथ है, ये आगे की बातें हैं। लेकिन यह देखिए मैंने जैसा पहले कहा कि फ्लोर के अंदर जो विधानसभा के अंदर की बातें हैं, बाहर के लिए चाहे जो मर्जी भी हो, अभी 3 विधायक जो निर्दलीय हैं वे कांग्रेस के साथ गए हैं, वो मौके पर क्या एक्शन मोड में आएंगे, वो क्या निर्णय लेंगे यह अलग बात है, अभय सिंह चौटाला क्या निर्णय लेते हैं ये एक दूसरी बात है, बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक हैं, वे भाजपा सरकार के खिलाफ उन्होंने हमेशा चला है, लेकिन क्या वे उस समय किसका साथ देंगे, क्या हुड्डा के साथ जाना चाहेंगे या जेजेपी के साथ जाना चाहेंगे, यह उनके मौके के विवेक पर निर्भर करेगा। तो ऐसे में 43 सदस्यों के साथ देखिए एक और भी बात है कि अभी करनाल विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, उसमें नायब सिंह सैनी खुद मुख्यमंत्री वहां उम्मीदवार हैं,
4 जून को इसका परिणाम आएगा, 4 जून तक क्या स्थिति रहती है, एक विधायक उसके बाद बढ़ जाएगा, और कांग्रेस की भी दृष्टि देखिए मानसून सत्र पर है, मानसून सत्र में क्या परिस्थितियां रहती है एक अलग बात है। कानून विशेषज्ञ जो कानून के जानकार हैं वे भी यह मानते हैं कि 6 महीने का फ्लोर टेस्ट का समय जो है वो लगता है कि एक बार फ्लोर टेस्ट हो जाए तो 6 महीने उसके बाद ऐसा टेस्ट नहीं हो सकता। इसको लेकर भी जो कानून विशेषज्ञों की अलग अलग राय है, कोई कहता है हो सकता है, कोई कहता नहीं हो सकता। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो गेंद है वो राज्यपाल के पाले में है, वो उसके जो इनकी तरफ से मांग रखी गई है राज्यपाल के समक्ष, राज्यपाल इसमें क्या निर्देश देते हैं, वो कहेंगे कि आप हस्ताक्षर करवा के लाइए सभी एमएलए के, तो इसी में ही इसमें ही पता लगेगा कि विपक्ष कितना एकजुट है, कितना ताकतवर है, क्या वो भाजपा से संख्या बल में ज्यादा है या कमजोर है। तो ऐसे में अभी कई परिस्थितियां हैं साधना, केवल बातचीत से नहीं, राज्यपाल क्या निर्देश देते हैं, तथ्यों के आधार पर वो देखने वाली बात होगी। और जहां तक आपने विश्लेषण किया इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे।